एक्सक्यूज मी आंटी, आप फ्री हैं क्या? इडियट, उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। मेरे पहनने के लिए कोई कपड़े हैं ये पूछना चाह रहा था। मर्दों के कपड़ों का सेक्शन उस तरफ है, शायद तुम्हें मिल जाए। तुम्हें भी डाउट है क्या? मैंने उस सेंस में नहीं कहा। नॉनसेंस बॉस, बर्थडे गिफ्ट तो बहुत कड़क था। बाबू एक नंबर लिख ले। नंबर क्या है? एक मिनट होल्ड कर। बाबू तुझे क्या बताऊं मैं, तूने एकदम सही टाइम पर फोन किया है। बाद में बात करता हूं, अभी रख। सावधान रहना, ऐसे लोग फोन चोरी कर लेते हैं। हाँ चोरी कर लेते हैं। फ्रेंड, 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 आप अपना फोन संभाल कर रखिए। अगर कोई लूटने आए तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस? अरे आप क्यों भाग रहे हैं? पुलिस को बुलाने हैं। अभी तो चोर भाग गया, अगली बार सावधान रहिए। ओके मैडम। क्या बॉस, लव है क्या? क्या कहा? क्या बॉस, लड़की इतना कुछ सुना कर गई, लड़के ने कुछ नहीं बोला, लव नहीं तो और क्या है? मालूम पड़ गया ना तुझे, तो अपना मुंह बंद रखना। चल। हाँ बोल चिका। हाँ वो पूरे बेंगलुरु को ड्रग सप्लाई करने वाला यही है, मेरा छोटा भाई। इसकी स्पीड की वजह से गैंग वाले इसे पेट्रोल कह के बुलाते हैं। इसी के लिए मैंने इस धंधे में कदम रखा है। बस ये समझ लो कि ये मेरी जान है मालिक। हाई टेंशन हाई पावर कभी देखा है? मीट माय फ्रेंड मालिक। सॉरी मालिक, ये थोड़ा सिर फेरा है। पेट्रोल, इसका नाम शिरीष है, उम्र 20, पढ़ाई कर रही महारानी कॉलेज में, घर गायत्री नगर में, और अगर चिल्लाए तो मम्मी अकेली आएगी क्योंकि डैडी मर चुके हैं। साथ में बर्गर की तरह एक फ्रेंडशिप की रहती है, वो 4 बजे घर पहुंचती है और ये 5 बजे घर पहुंचती है। लड़की एकदम कड़क है, मुहूर्त फिक्स करके उसे उठा के लेके आता हूँ ना। पीसी पीसी, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करूँगा, उठा कर ले आ, अब इंतजार नहीं होता। 9900550055। हेलो रम्या बोल रही है ना? हाँ मैं रम्या ही बोल रही हूँ। तुम मेरे भाई के फ्रेंड रवि हो ना? हाँ हाँ करेक्ट। क्या हुआ, किधर हो तुम? मैं शेरशाह के साथ क्रिकेट क्लब में कॉफी पी रही हूँ। तो उधर ही रुकना। ये चोर? फ्रेंड्स, ये आदमी मोबाइल चोर है, आप अपना स्मार्टफोन संभाल के रखिए। दूंगा ना, चोर बोलती हूँ। hey, कौन है रे तू? कॉटन कैंडी? कॉटन कैंडी नहीं, रम्या। रम्या हो या छमिया हो, चलो आउट 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 आउट। बी केयरफुल। और तू, मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली सुन, रेपिस्ट का अगला टारगेट तू है, अगर तू उनके हाथ लग गई तो वो तेरी पार्टी कर दें, इसलिए घर से 2-4 दिन निकलना मत दो। चोर चोर बोलती, दूं क्या रख?
ओहो, चोर लोग भी आजकल सलाह देने लगे हैं। रेपिस्ट का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उड़ने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। अब निकल लो यहाँ से, निकलो निकलो। तेरी किस्मत ही ऐसी है तो तू ही जान। अच्छा हुआ। सॉरी बॉस। इट्स ओके। वॉशरूम किधर है? वो वहां सामने। नहीं।
उस नोटोरियस एसिड बाबू का छोटा भाई है। यस सर। उसे इन्फॉर्म कर दिया ना? सुबह ही कर दिया सर। अगर तूने उसे भाई बोलकर अपना लिया तो पुलिस तेरे सारे पुराने केसेस खोल के तुझे अंदर कर देगी। इस वजह से क्या मैं अपने भाई को छोड़ दूं? भाई बेटर है। इंसिडेंट होने के बाद भी अपने भाई को देखने नहीं आया, मतलब हार्ड कोर क्रिमिनल है वो। डर गया होगा कि इससे लिंक करके उसे कहीं अंदर न डाल दे। एसिड बाबू की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। इस बॉडी को विक्टोरिया मॉर्ग में शिफ्ट कर दो। 24 घंटे वेट करना। तब तक वो नहीं आया तो एज पर लॉ इस बॉडी को लावारिस घोषित करके डिस्पोज कर देना।